अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत ही डिमांडेड वीडियो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ, जिसके लिए बहुत लोगों ने हमें कमेंट भी किया था कि जिंगर बर्गर की रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिंगर बर्गर की रेसिपी। फुल वीडियो वॉच करें, अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दें। हाफ के जी चिकन ले ली है हमने और फिर हमने इसको कुछ इस तरीके से पीसेस में कट करवा लिया है। अब हम आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ, जिसमें हम लोगों ने लिए हैं रेड चिली पाउडर, सौफ धनिया पाउडर, चिकन पाउडर, काली मिर्च, लहसुन पाउडर और सॉल्ट। अब हम 2 टीस्पून बाउल में चिली सॉस ऐड कर देंगे, फिर हम 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और फिर हम 2 टीस्पून सराशा डाल देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, फिर हम इन सब स्पाइसेस और सॉसेस को एक साथ मिक्स कर लेंगे और फिर हम अपने मिक्स मसाले में चिकन ऐड करेंगे और अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे और फिर हम फोक की हेल्प से अपनी चिकन को कुछ इस तरह से ब्रेक कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा मसाला एडजस्ट हो जाए। ये हमारी जूसी सी चिकन रेडी हो जाए। ये मैंने मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि इनमें मसाले अच्छे से टेस्ट आ जाए मसालों का और हमारी चिकन टेस्टी सी हो जाए। हमने ले लिया है 2 कप मैदा। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, जो हम केक के अंदर ऐड करते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक हम सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा हम इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे और फिर हमने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करी है और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। ये हमारी कोटिंग के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। जो हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया था उससे हमारा जो क्रंच होगा वो और भी ज़्यादा क्रंची बनेगा। अब हम बर्गर बन के लिए सॉस रेडी करेंगे, जिसमें हमने ले लिया है 1 कप मायोनीज ले लिया है हमने और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पेरी पेरी सॉस। स्पाइसी सॉस है ये, पेरी पेरी सॉस है और अब हम इसके गार्लिक पाउडर ऐड करने वाले हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। रेड क्रश चिली ऐड करेंगे। अभी हमारा सॉस रेडी है और अब ये हमारा सॉस स्पाइसेस और ये बहुत ही डिलीशियस हमारा सॉस रेडी हो गया है, जिससे हमारे जिंगर बर्गर बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये हमारे कोटिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। ये हमारे हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ये हमारी है चिकन और ये हम लोगों ने ले लिया है तेज ठंडा पानी, जिससे हम करने वाले हैं कोटिंग। तो चलें अब हम चलते हैं कोटिंग की तरफ। अब हम चिकन का एक स्लाइस ले लेंगे और फिर हम उसको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड कर देंगे और फिर हम इसको बहुत अच्छी तरीके से दबा दबा के इसकी कोटिंग कर लेंगे। हमारा मैदा इतना होना चाहिए कि हमारी कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और जिस तरह से मेरी मम्मा कर रही हैं आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा। और अब हम ये हमने चिकन की कोटिंग कर ली और अब हम इसको ठंडे पानी में ऐड कर रहे हैं। ठंडे पानी में ऐड करने के बाद जिस तरह से मेरी मम्मा प्रोसेस कर रही हैं आप लोग भी सेम प्रोसेस को करिएगा। पहले हम इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालेंगे और फिर हम इसको कुछ इस तरह से निकालेंगे और फिर हम इसको कुछ इस तरीके से झाड़ेंगे जिस तरह से मेरी मम्मा कर रही हैं और फिर हमारा ये कुछ इस तरह से क्रंच बन जाएगा और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे मज़ेदार चिकन के स्लाइसेस कोट हो चुके हैं। अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने की तरफ। एक तरफ ये हमारे बंस फ्राई हो रहे हैं और इस तरफ हमने अपने ऑयल को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब जो हमने चिकन कोटिंग करके रखी थी वो हम 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड करते रहेंगे।
अब हम दरमियानी आंच पर इसे फ्राई होने के लिए रख देंगे। वन साइड से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। लेकिन याद रखें, अगर हम इसको फ्राई करने के लिए डालने के बाद हम इसको अगर हिलाते हैं तो हमारा जो क्रंच है वो टूट भी सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं, हमारा वन साइड अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, तो मेरी मम्मा इसको टर्न कर रही हैं। अब हम अपना बर्गर रेडी करने लगे हैं। तो मैं सैलेड की रेसिपी तो आप लोगों को क्लब सैंडविच वाली वीडियो में मिल जाएगी, जिसने नहीं देखी वो जाके जल्दी से वॉच कर दे। और ये मेरी मम्मा ने कुछ फ्राइज बनाए हैं और अब हम अपने बर्गर को रेडी करेंगे। अब हम इसके ऊपर अपना सॉस ऐड करेंगे, यम यमी सा सॉस जो हमने बनाया था कुछ इस तरीके से, हम उसको इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, हमारे चार स्लाइसेस रेडी हो गए हैं। फिर हम अपने बर्गर के अंदर ऐड कर देंगे अपने चिकन के स्लाइस को, और फिर हम इसके टॉप पर भी वही सॉस ऐड करेंगे, और फिर हम इसके टॉप को इसके ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरह से। हम इसको लगाएंगे और अब आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जूसी सा जिंगर बर्गर रेडी है। ये बहुत ही यमी बना है और बहुत ही जूसी रेडी हुआ है। कैसी लगी आप लोगों को आज की रेसिपी, हमें कमेंट में बताएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।